गोलगप्पे वाला आ गया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम यार, एंड वेलकम बैक टू टेक का चैनल। भाई आप लोग टाइटल और थंबनेल दोनों चीज़ें देख कर यहाँ पे आए होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक फ़ोन ख़रीदने के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड के अंदर रखनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि यूज्ड कंडीशन के अंदर अगर आप एक फ़ोन ख़रीद रहे हो ना तो आपके लिए थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद होगी, और कुछ न्यू फ़ोन्स के बारे में भी होंगी, तो वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे यार इस सीरीज़ का एक और एपिसोड मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। अगर आपने वो देखना है तो पहले वो चेक कर लें, उसके बाद आके ये वीडियो कंटिन्यू कर लें। सीधा चलते हैं यार वीडियो के पहले पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ पे यूज्ड फ़ोन ख़रीदने वाले बंदों के लिए होने वाला है। जी हाँ यार, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि गो फॉर चेक वारंटी। उसकी यार रीज़न ये है कि जब भी आप कोई फ़ोन ख़रीदते हो तो आप लोग देखते हो कि एटलीस्ट उसके पास 5 महीने की वारंटी पड़ी हो जो भी आप लोग फ़ोन ख़रीद रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर रेकमेंड ये करूँगा कि आप लोग शॉपकीपर से, जिस बंदर से आप फ़ोन ख़रीद रहे हो, थोड़ा सा लड़ो झगड़ो तोड़ो फोड़ो जो भी करो, लेकिन उसको मनाओ कि आपको तकरीबन 7 दिन की चेक वारंटी वो दे दे। इसका फ़ायदा यार ये होगा कि आप शॉप के ऊपर खड़े होकर कैमरा, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले, छोटे मोटे बग्स जो होते हैं ना, वो इतनी डिटेल से चेक नहीं कर सकते क्योंकि रश होता है और आपको भी जल्दी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है नया फ़ोन ख़रीदने की, और दिल में थोड़ा सा डर भी होता है कि फ़ोन ठीक निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो इस डर को निकालने के लिए आपके पास यही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप चेक वारंटी की तरफ जाएं। अब यार कुछ सिटीज़ के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं भी होती, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप ट्राई ज़रूर करें। अगर मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है, आपको यूज्ड फ़ोन ख़रीदने में बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून मिलेगा। खैर यार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे न्यू फ़ोन ख़रीदने वाले बंदों के लिए है। अब यार मैं कुछ लिमिटेशन बताता हूँ आपको। एक फ़ोन 2021 के अंदर आपने ख़रीदना है तो लिमिटेशंस तो बनती हैं। यहाँ पे यार लिमिटेशन होगी डिस्प्ले की, रैम की, स्टोरेज की, प्रोसेसर की, और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले की लिमिटेशन की अगर बात आती है तो यहाँ पर मैं क्वालिटी को मेनली लिमिट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हर्ट्ज़ को लिमिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हर्ट्ज़ को लिमिट करने की भी एक और वजह है जो कि ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते। अब यार मोस्टली मैंने भी पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको रेकमेंड किया था कि गो फॉर 90 हर्ट्ज़ वाले फोन। उसका रीजन ये नहीं है यार कि आप लोग गेमिंग करते हो या उसके अलावा आपका स्क्रॉलिंग वाला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इन्हेंस हो जाता है, हालांकि अच्छा होता है 90 हर्ट्ज़ के साथ, श्योरली सी बात है। लेकिन मेन फोकस मेरा 90 हर्ट्ज़ वाला फ़ोन ख़रीदने का ये है कि यार आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे। फ्यूचर प्रूफ इस तरह यार कि अगर आप 2021 के अंदर एक फ़ोन ख़रीदते हो तो उसको तकरीबन 2022 में ही बेचोगे ना, तो 2022 के अंदर अगर आपका एक 60 हर्ट्ज़ वाला फ़ोन होगा ना तो उसका इतना अच्छा आपको रीसेल रेट जो है ना वो नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू 90 हर्ट्ज़ वाला फ़ोन। क्योंकि यार कुछ टाइम के अंदर सब लोगों को पता चल जाएगा व्हाट इज़ 60 हर्ट्ज़, व्हाट इज़ 90 हर्ट्ज़। खैर यार मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी हर्ट्ज़ और फ्रेम रेट के दरमियान डिफरेंस, वो भी चेक कर लेना, आई बटन में आ रही होगी। खैर यार हम कहाँ पे थे, तो बात ये है कि आपने 90 हर्ट्ज़ वाला फ़ोन ख़रीदना है ताकि आपको रीसेल वैल्यू बेहतर मिले। खैर यार हमारी सेकंड लिमिट है यहाँ पे रैम और स्टोरेज की। अब बहुत ज़्यादा लोग बात करते होंगे कि 4 GB रैम नहीं लेनी, 3 GB रैम नहीं लेनी, गो फॉर 8 GB, 6 GB, तो ये वाला सीन तो सबको पता ही है ना, अब ज़्यादा लोगों को पता चल गया है। और मैं एक वीडियो बनाने का भी सोच रहा हूँ कि टेक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। खैर मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा अबाउट रैम एंड स्टोरेज टाइप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यार कि जो रैम और स्टोरेज है ना, इनकी स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं। आपको स्टोरेज की 2-3 टाइप्स इस वक्त मोबाइल मार्केट के अंदर नज़र आ रही होंगी। एक होती है यहाँ पर EMMC जो कि पुरानी हो गई है, और 20 से 30 हज़ार के अंदर आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स में ये स्टोरेज टाइप मिलती है। स्टोरेज टाइप होने का मसला सिर्फ ये है कि यार यहाँ पर आपको सिर्फ एक फ़ीचर मिलता है, एक टाइम के ऊपर आप या फिर रीड कर सकते हो कोई भी डाटा या फिर राइट कर सकते हो। इसको डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली आपको बताता चलूं कि EMMC स्टोरेज वाले फ़ोन जो है ना वो जनरली स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू UFS वाले फ़ोन। अब यहाँ पे UFS 2.1 आपको 30 से 40 या फिर 25 से 35 हज़ार के अंदर आराम से मिल जाती है, तो आप UFS 2.1 स्टोरेज वाले फ़ोन ख़रीदें। आप लोगों को चाहिए कि गूगल करें या फिर रिव्यूज़ देखें जिनमें लोग बात करें अबाउट स्टोरेज टाइप। ये नहीं है कि यही बता दें कि 8 GB की रैम है, 4 GB की रैम है और जी 128 GB की स्टोरेज है। इस चीज़ की इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है जितनी आपको स्टोरेज और रैम टाइप की है। खैर यहाँ पे UFS 3.1 भी आती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वो फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर चली जाती है, उसको आप खैर रहने ही दें। अच्छा यार नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे रैम टाइप। सिमिलरली जैसे स्टोरेज की टाइप की बात हो रही थी, तो यहाँ पर रैम की भी टाइप्स होती हैं, LPDDR4 और 5। 5 महंगी है, 4X सस्ती है, तो 4X की तरफ जाना चाहिए। खैर नेक्स्ट लिमिटेशन हमारी यहाँ पे निकल के आती है प्रोसेसर के बारे में। खैर यार प्रोसेसर के बारे में काफ़ी सारे लोग बात कर चुके हैं कि आपको नैनोमीटर को देखना चाहिए, लॉन्च डेट को देखना चाहिए, तो परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिमिट बताने आया हूँ ना, तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आप 20 हज़ार से लेकर 35 हज़ार, इवन
थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो और एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और इग्नोर कर दो, हालांकि इग्नोर करना उसको बनता नहीं है, तो आपको 40,000 तक भी तकरीबन हर फ़ोन में इस वक्त मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलेगा। उसकी वजह क्या है? तो उसका रीज़न ये है यार कि जितने भी फ़ोन्स आते हैं ना उनमें स्नैपड्रैगन के इस टाइम के ऊपर 600 सीरीज़ के सिर्फ 2 प्रोसेसर सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम है उनकी इस दौर के अंदर एज़ कम्पेयर टू मीडिया टेक हीलियो G80, G85, G95, G90T। ये प्रोसेसर इस वक्त 20,000 से 35,000 के अंदर राज कर रहे हैं और आपको किसी भी फ़ोन में ये देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि फ़िलहाल आप लोगों ने देखा रेडमी नोट 10S, रियलमी नार्जो 30, रियलमी 8, इन तीनों फ़ोन्स के अंदर आपको मीडिया टेक हीलियो G95 का प्रोसेसर मिलता है। तो इस प्रोसेसर के साथ आपको एक छोटा सा इशू ये है कि यार हीटिंग इशूज़ मिलते हैं मीडिया टेक के तकरीबन हर प्रोसेसर में। उसकी वजह यह है यार कि ये थोड़े से परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, जी सीरीज़ है ना, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है हीटिंग का, लेकिन यार कंपनी इसको कंट्रोल कर सकती है अगर परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दे। तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि यार 20,000 से लेकर 35,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 600 सीरीज़ को फ़िलहाल इग्नोर कर दो। खैर यार नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंस का। जी हाँ, इसकी वजह यह है यार कि अगर आप पहले किसी एक कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे थे, मसलन शाओमी, इनफिनिक्स, टेक्नो या फिर रियलमी, तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें उसी कंपनी के फ़ोन के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा मिलता है उसी कंपनी के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है। और यहीं पर एक और ऑप्शन, सब ऑप्शन आ जाता है जो कि यहाँ पर है यूज़र इंटरफेस। जी हाँ, UI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको रियलमी के अंदर, रियलमी UI, शाओमी के अंदर MIUI, ये जो UI मिलते हैं ना इनकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा भी हो जाता है और अच्छा भी। सिमिलर केस यहाँ पे इनफिनिक्स और टेक्नो के अंदर देखने को मिलता है कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें एड्स मिलते हैं। अब ये जो एड हैं ये आपको शाओमी के UI में भी मिलते हैं, अगर आप स्टॉक कोई भी एप्लीकेशन मसलन सिक्योरिटी या फिर फाइल मैनेजर या फिर थीम्स, इनमें से कोई भी ऐप को खोलते हो तो आपको एड देखने को मिलते हैं। अब यार ये जो एड होते हैं ये आपका मिनिमल स्टॉक और जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ना उसको ख़राब करते हैं। तो इस वजह से यार UI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ एक और बात ये भी है कि हर UI के कुछ स्पेशल फ़ीचर्स होते हैं, तो अगर आप एक UI को पहले यूज़ कर रहे थे उसको छोड़ के नए UI वाला फ़ोन ख़रीद लिया आपने या फिर कंपनी ही चेंज कर ली तभी UI चेंज होगा, तो तब आपको कुछ फ़ीचर का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट्स का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके फ़ोन के अंदर कंपनी एक अपडेट देती है और उसके बाद आपके फ़ोन में कोई भी बग आ जाता है, मसलन बैटरी ड्रेन बढ़ गया या फिर उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होगी, चार्जिंग स्पीड स्लो होगी, कुछ भी किया जा सकता है ना कंपनी की तरफ से, तो इस केस के अंदर अगर वो कंपनी इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है अपडेट्स देने में तो आपको मसला होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम उसी बग के साथ गुजारना पड़ेगा। तो इसलिए पहले चेक कर लें कि उस कंपनी की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके पुराने फ़ोन्स के अंदर कहाँ तक अपडेट मिलती हैं, कितने टाइम के अंदर मिलती हैं, इस चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। अब यार यहाँ पे हमारे लिस्ट का लास्ट पॉइंट है स्पीकर। अब यार ये वाला पॉइंट एक भाई ने मुझे पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि यार इसको भी इंक्लूड करो, तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँगा अबाउट मोनो एंड स्टीरियो स्पीकर। ये बात करना ज़रूरी इसलिए यार कि अगर आपके फ़ोन के बैक के ऊपर स्पीकर है ना तो उस फ़ोन को मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए रहने दो। उसकी वजह यार ये है कि आपको जो साउंड है ना वो फ़ोन के पीछे जाता हुआ नज़र आएगा, काफ़ी कम लाउडनेस होती है उसकी और टाइनी सा फील होता है, तो इसलिए यार उस फ़ोन को ख़रीदो जिसका स्पीकर नीचे है या फिर स्टीरियो स्पीकर है। स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाते हैं 30,000 के अंदर, रेडमी नोट 10 के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो फ़ोन को ढूंढना पड़ेगा स्टीरियो स्पीकर वाले, लेकिन टाइनी स्पीकर वाला फ़ोन मत खरीदना। हर वक्त कोई बंदा हेडफोन तो यूज़ करता नहीं है, कभी ना कभी आपको मोबाइल का स्पीकर भी यूज़ करना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा रोला बनेगा। खैर यार यही कुछ ऐसे पॉइंट जो कि मैंने आज के एपिसोड के अंदर डिस्कस करने थे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। अगर आपको कोई और पॉइंट ऐसा लगता है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है कॉमेंट कर दो, अगला एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा उसके अंदर इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।